हेलो क्लास इलेवेंथ, कैसे हो बच्चों आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये चैप्टर भी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का ही है। और इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कैसे करता है, कैसे हम सांस लेते हैं, है ना, कैसे हम सांस को छोड़ते हैं, क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, क्या होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और भी तरह तरह के वॉल्यूम को हम देखेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर लाने का रीज़न ये है कि थोड़ा हमारा सिलेबस एक बार स्पीड अप हो सके। क्या हो रहा है कि जैसे कि मंडे टू फ्राइडे हमारी लाइव हो रही है ना, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर का ही लाइव हो रही है, लेकिन उससे क्या है कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे जा रहा है। तो सिलेबस पीछे ना रहे, थोड़ा सिलेबस का बैलेंस बना रहे, इसीलिए सैटरडे संडे मैंने आपके लिए एक लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ। और वो भी मतलब कहीं बाहर का नहीं है, कोई बाहर की यूनिट का नहीं है, उसी यूनिट का ही है। लेकिन हाँ, यूनिट जो है इसमें, इस यूनिट की खास बात क्या है, जितने चैप्टर आएंगे भले वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आए भले वो लाइव फॉर्म में आए, लेकिन चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना। तो देर नहीं करते हैं, ठीक है, हमारे पास इतना अभी बात करने का टाइम भी नहीं है। टू द पॉइंट अपने टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा इसमें वो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और हाँ, मैं आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। लेफ्ट लंग और राइट लंग में क्या डिफरेंस होता है ये बताऊंगा। तो इस वीडियो के एंड तक में मेरी गारंटी ये है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम याद हो जाएगा। ठीक है, पता है मुझे, आप 10th से पढ़ के आए हैं, लाइव प्रोसेस में पढ़ा है, अच्छी बात है बेटा, कुछ नया ही सीखेंगे, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो बधाई हो बेटा, आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं गारंटी एक दिन की नहीं लेता हूँ। मैं अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसकी गारंटी एक दिन के लिए नहीं लेता हूँ, या फिर आपके पेपर तक ही नहीं लेता हूँ कि आप पेपर तक इसको नहीं भूलेंगे, आप पढ़िए और पेपर में अच्छा करके आएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो आपके जीवन भर के लिए पढ़ाता हूँ। एक बार मेरा लेक्चर देखिए, बिल्कुल प्यार से ईमानदारी से लेक्चर देखिए, विश्वास मानिए वो लेक्चर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपके मार्क्स अपने आप आएंगे। मार्क्स तो सेकेंडरी चीज होता है दोस्त, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपन। चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए, जो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बनाएंगे, डायग्राम बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप लोग जब भी लेक्चर देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए बेटा, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको और मैं जबरदस्ती बनवाऊंगा भी। ठीक है, चलिए बनाते हैं अपन। इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इतना प्यारा लग रहा है, छोटा सा है ना टॉपिक नेम पे। आ जाइए, स्टार्ट करें डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाने के सबसे पहले क्या चाहिए, एक पेन और एक पेज। जैसे मेरे को तो यहाँ पे बोर्ड मिल रखा है, आपके पास कॉपी होगा। हाँ, कोशिश, मैं सजेशन ये देता हूँ आपको कि अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट की एक सेपरेट कॉपी बनाएं, और वो कॉपी ऐसी नहीं लाइनिंग वाली नहीं, आप बिल्कुल जो वाइट पेजेस वाली कॉपी होती है वो बनाएं। उसमें क्या होगा कि आप डायग्राम बनाएंगे या कुछ नोट भी करेंगे या हाईलाइट करेंगे ना, तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि पीछे पूरा वाइट सरफेस है ना। आपकी मर्जी है, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्या होना चाहिए, आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए बनाएं अपन। चलिए, ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम सांस कैसे लेते हैं, आप खुद सोचिए, हम सांस कैसे लेते हैं, मुंह से या नाक से? आप कहेंगे हम तो दोनों जगह से ले लेते हैं। वैसे तो रोज हम नाक से लेते हैं, जब जुकाम होता है तो हम मुंह से लेने लग जाते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो हम सांस लेते हैं कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, और नाक से लेना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान ने मुंह खाने के लिए दिया है। ठीक है, तो जो नाक होता है, जो नाक की ओपनिंग होती है, ये आप देख रहे हैं मेरी नाक की ओपनिंग आपके सामने दिख रही है, इस नाक की ओपनिंग को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो क्या है, नॉस्ट्रिल। बनाऊं? ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो नाक की जो ओपनिंग है ये,
नाक की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल, या फिर इसे एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नेयर्स। कहीं कहीं बुक में आपको एक्सटर्नल नेयर्स लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ठीक है? तो मैं लेबल कर दूं इसको, ये क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है नॉस्ट्रिल, ठीक है? क्या है ये? नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, ठीक। अब देखिए, अब नोज के अंदर क्या होता है, नोज के अंदर खाली जगह होती है, ठीक है? नोज के अंदर क्या होती है, खाली जगह होती है, इसे हम बोलते हैं नेजल कैविटी। इसे क्या बोलते हैं हम? नेजल कैविटी। जैसे कि आप अपनी उंगली को डाल के ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं ना जिस खाली जगह में, है ना? मेरे को पता है आप लोग खाली टाइम यही सब करते हो, है ना? तो वो जो खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं उसे हम? नेजल कैविटी। ये क्या आपका? नेजल कैविटी, ठीक है? क्या है ये? नेजल कैविटी, ठीक। नॉस्ट्रिल या फिर एक्सटर्नल लेयर, उसके बाद नेजल कैविटी, उसके बाद क्या आएगा? नेजल कैविटी। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है नेजल कैविटी। अब देखिए, नेजल कैविटी के बाद एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, वो है फेरिंग्स। वो है फेरिंग, ठीक। आपने कभी नोटिस किया होगा कि नाक में कोई ड्रॉप डालिए, वो नाक का जो नाक में अगर ड्रॉप पड़ा, वो ड्रॉप कभी कभी मुंह में आ जाता है, या आपको जुकाम होता था, मुंह से वो जो लार होती है, क्या बोलते हैं, जो स्पूटम होता है, वो मुंह में आ जाता है ना? नोटिस किया होगा आपने, और फिर आप उसको थूकते हो। तो मान के चलिए, आपको इस चीज से क्या पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ एक ऐसी ओपनिंग है या ऐसा छेद है जो नाक को मुंह से कनेक्ट करता है ना? जो नाक को किसे कनेक्ट करता है? मुंह से कनेक्ट करता है ना? उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। उस पर्टिकुलर रीजन को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स वो पाथ है या वो जगह है जो कि फूड और एयर के लिए कॉमन है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, मैं समझाता हूं दोबारा, ठीक है? चलिए देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं। ये माउथ की ओपनिंग है, ठीक है? ये माउथ की ओपनिंग है ऐसे। अब ये नेजल कैविटी आ रहा है, ठीक है? ये आपस में ऐसे मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब मान लीजिए यहां से फूड जाएगा, यहां से मान लीजिए फूड आया, फूड पार्टिकल है ये फूड पार्टिकल, और ऊपर से एयर आ रहा है, ऊपर से एयर आ रहा है। जैसे यहां पे आए, ये पर्टिकुलर रीजन, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर रीजन क्या बोलेंगे हम? फेरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फेरिंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोलेंगे। क्योंकि ये जो रीजन है, यहां से फूड आ रहा है, ऊपर से हवा आ रहा है, ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। दोनों के लिए क्या है? कॉमन है ना? तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोलेंगे। तो मैं नाम लिख दूं इसको, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर रीजन क्या है? ये पर्टिकुलर रीजन क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स, ठीक है? क्या है? फेरिंग्स। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया फेरिंग्स। अब देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं, अब देखिए जो फेरिंग्स है, ये जो फेरिंग्स है, इसके तीन हिस्से होते हैं, इसके तीन हिस्से होते हैं। जो ये फेरिंग्स दिखाया है, इसके ऊपर नेजल कैविटी की तरफ जो फेरिंग्स का हिस्सा होगा, उसको हम बोलेंगे नेजो फेरिंग्स। क्या बोलेंगे उसे हम? नेजो फेरिंग्स। और जो यहां पे माउथ के पास है, उसको हम बोलेंगे ओरो फेरिंग्स। उसको क्या बोलेंगे हम? ओरो फेरिंग्स। और थोड़ा सा जो नीचे है, उसको हम बोलेंगे लेरिंगो फेरिंग्स। लेरिंगो फेरिंग्स, लेरिंगो फेरिंग्स, ठीक है? नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, फिर नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लेरिंगो फेरिंग्स, ठीक है? क्या बोलेंगे उसे हम? लेरिंगो फेरिंग्स। बताइए इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? अब देखिए अब क्या होगा, अब यहां पे रास्ते बटेंगे, यहां पे अब रास्ते बटेंगे। एक रास्ता जो है वो इधर चला जाएगा, और एक रास्ता आपका फूड पाइप में ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे रास्ते बट गए, यहाँ पे रास्ते बट गए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रास्ते बट गए। मान लीजिए जो फूड है, फूड कहाँ जाएगा? फूड जाएगा आपका इस फूड पाइप में। ये क्या है? फूड पाइप,
फूड पाइप, और जो एयर है, एयर कहाँ जाएगा? विंड पाइप में जाएगा। एयर कहाँ जाएगा? विंड पाइप में। तो लैरिंगो फेरिंग्स के बाद एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको ये जो चीज है, ये है ना, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लैरिंग्स। इसे क्या बोलते हैं? हम लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो बॉक्स है, इसकी जो ओपनिंग होती है, ये बेसिकली एक ओपनिंग होती है इसके पास, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं बेटा। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा? ग्लॉटिस बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, ग्लॉटिस से एयर पास होगा। कभी कभी हम जब खाना खा रहे होते हैं, तो मम्मी बोलती है ना कि खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। आपने बहुत सुना होगा मम्मी, जब भी आप खाना खाते हैं, हम लोग की आदत भी गंदी होती है, हम लोग खाना खाते टाइम ही बोलते हैं। तो खाना जो है, अगर मान लो हम खाना खाते टाइम बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सांस आएगा। तो खाना गलती से हमारे फूड पाइप की जगह एयर पाइप में ना चला जाए, इसीलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक मेम्ब्रेन लगा दिया। किसके ऊपर? इस ग्लॉटिस के ऊपर। इस ग्लॉटिस के ऊपर भगवान ने एक फ्लैप लगा दिया, एक मेम्ब्रेन लगा दिया, उसको हम बोलते हैं ईपी ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसे? हम ईपी ग्लॉटिस। क्यों ईपी ग्लॉटिस बोलते हैं? क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर है वो, क्योंकि क्या क्या है वो? ग्लॉटिस के ऊपर है। कहाँ है वो? ग्लॉटिस के ऊपर है। तो इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? ईपी ग्लॉटिस। ईपी ग्लॉटिस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे? हम ईपी ग्लॉटिस बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। उसे हम क्या बोलेंगे? ईपी ग्लॉटिस, ठीक है। बताइए बेटा, ये चीज समझ आया? ईपी ग्लॉटिस, ईपी ग्लॉटिस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक, चलिए, क्या क्या बताया मैंने एक बार फटाफट मेरे साथ क्यों रिकैप कीजिए। सबसे पहले, सबसे पहले नोज की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉस्ट्रेल बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लेयर्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेयर्स बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के बाद आपका आ जाएगा लैरिंग्स, जो कि हम जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं या साउंड बॉक्स बोलते हैं। इसी 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 में वाइब्रेशंस होती हैं, तभी हम बोल पाते हैं, हैं? इसी में जब वाइब्रेशन होती है, जैसे गिटार बजता है ना, गिटार के धागे के वाइब्रेट करते हैं, तो लैरिंग्स में ही जब वाइब्रेशन होता है, तभी हमारी आवाज़ निकल पाती है। और ये वाइब्रेशन हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग निकलता है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, चाइना, चाइनीज है या जैपनीज है, तो अगर उसने जीवन भर चाइनीज बोला है, तो उसकी जो लैरिंग्स की वाइब्रेशन होगी ना, वो अलग होगी। और जो जो जापानीज बोला है जैसे जीवन भर, उसकी वाइब्रेशन अलग होगी। जो भोजपुरी बोल रहा है, जो इंडियन बोल रहा है, जो हिंदी बोल रहा है, उसकी वाइब्रेशन अलग होगी, है ना। तो ये वाइब्रेशन लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करती है ना। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं। ये समझिए कि लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? लैरिंग्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। उस ग्लॉटिस के ऊपर भगवान ने कवर लगा दिया, उसको हम क्या बोलेंगे? ईपी ग्लॉटिस। क्यों लगाया भगवान ने कवर? क्योंकि वो फूड को प्रिवेंट कर सके एयर पाइप के अंदर एंट्री करने में, ठीक है। यानी कि एयर पाइप के अंदर फूड एंट्री ना कर ले ले अपना, इसीलिए भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन लगा दी, उसको हम क्या बोलते हैं? ईपी ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं उसे? हम ईपी ग्लॉटिस बोलते हैं। अब यहां से क्या होता है, यहां से एयर पाइप स्टार्ट हो जाता है या विंड पाइप स्टार्ट हो जाता है। विंड पाइप को हम ट्रेकिया बोलते हैं। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। इसके ऊपर, इसके ऊपर ऐसे सी शेप, सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं। इसके ऊपर ऐसे सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं, ऐसे। ये क्या है? ये है आपका, ये है आपका
ट्रेकिया, ये क्या है आपका? ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, ठीक। अब देखिए, ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ठीक। इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेज लगा होता है। कार्टिलेज क्या होता है? बेसिकली कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। क्यों लगाते हैं इस पे? भगवान ने क्यों लगाया कार्टिलेज? देखो, ये जितना भी चीज है भगवान ने बनाया है ना, है ना, कह सकते हैं बात। तो भगवान ने कार्टिलेज क्यों लगाया? क्योंकि जो हवा है, हवा बिल्कुल प्रेशर से आएगी और प्रेशर से जाएगी, तो वो जो विंड पाइप है वो कोलैप्स ना कर जाए, फट ना जाए, इसीलिए भगवान ने क्या किया? उसके ऊपर सी शेप का कार्टिलेज लगा दिया। कार्टिलेज से वो प्रोटेक्ट रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा तो प्रोटेक्ट, भगवान उसको प्रोटेक्शन बनाए रखेंगे उसका, ठीक है। और कहीं चिपक ना जाए जैसे, नहीं, ताकि हम कभी आपने नोटिस किया होगा, फ्रूटी पीते हैं या चाहे कोई जूस वूस भी पीता है, तो पाइप ना जब हम खींचते हैं, तो जब खींचने के बाद पाइप पीछे से चिपक जाता है, तो ये भी तो क्या है? ये भी तो पाइप ही है, कहीं चिपक ना जाए, इसलिए भगवान ने क्या किया? इनके बाहर सी शेप का कार्टिलेज लगा दिया, ठीक है। ये जो कार्टिलेज है, ये जो कार्टिलेज है, ये जो कार्टिलेज है, सी शेप कार्टिलेज, ये हाइलीन से बने होते हैं। बेसिकली क्या है? हाइलीन कार्टिलेज है, ठीक। क्या ये हाइलीन कार्टिलेज? इतना क्लियर है? क्या है ये हाइलीन कार्टिलेज? ठीक, क्या है ये हाइलीन कार्टिलेज है? इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो विंड पाइप है, ये फर्दर जाके डिवाइड हो जाती है, आगे जाके डिवाइड हो जाती है ऐसे। कहाँ पे डिवाइड होती है? तो एनसीईआरटी ने एक रेफरेंस दिया है, एनसीईआरटी ने बोला है कि आपकी जो वर्टिब्री वर्टिब्री होती है, ठीक है, ये जो वर्टिबल कॉलम जो है, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सर्वाइकल वर्टिबल कॉलम, थोरेसिक वर्टिबल कॉलम, सैक्रम, कॉकेक्स, लंबर, ये सारे इसके टाइप्स हैं, ठीक है। जो आपकी ये हेड वाले रीजन पे जो वर्टिब्री है, जो आपके हेड वाले रीजन पे जो वर्टिब्री है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। ये जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, ये क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्री है, ठीक है। जो आपके ये ऊपर के जो पीठ वाला हिस्सा है, वहां पे जो वर्टिब्री है, उस वर्टिब्री को हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। क्या बोलते हैं? थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री आगे बढ़ के रिब्स बनाती हैं, थोरेसिक वर्टिब्री आगे बढ़ के रिब्स बनाती हैं, है ना। ये जो देख रहे हैं ना आप, फेफड़ा जो है, जैसे आप फेफड़ा, फेफड़ा नहीं, क्या बोलते हैं आप लोग, पसली बोलते हो, है? वो पसली क्या है? पसली क्या है आपका? रिब्स है। वो किससे पीछे किससे अटैच है? वो थोरेसिक वर्टिब्री से। जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है, वो 12 होती हैं टोटल। कितनी होती हैं? 12। तो उसका नंबर होगा, जैसे कि T1, ऐसा होगा ना, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ऐसे 12 होंगी। तो जो T5 है, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5 जो है, उसी का मतलब कि उसी के पोजीशन पे जाके ये एयर पाइप या विंड पाइप, जिसे ट्रेकिया बोल रहे हैं हम लोग, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी ब्रोंकाई। इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इसे हम? प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम? प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम? प्राइमरी ब्रोंका है। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है। फिर अच्छा, वो T5 वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? T5 वाला क्या? कि मैंने बताया कि हमारी जो वर्टिब्री होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। जो सर में जो वर्टिब्री प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम का वो हिस्सा जो हमारे सर के तरफ प्रेजेंट है, यहाँ तक गले तक, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है। जो हमारे पीठ पे प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, जो सर में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है ना। आपने सुना होगा सर्वाइकल हो गया इस बंदे को, आपने बहुत कॉमन सुना होगा ये चीज, तकिया लगा सर्वाइकल हो जाता है, सुना है ना ये बात। तो जो ये आपके गले वाले रीजन में जो वर्टिब्री प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। जो आपके पीछे की तरफ, पीठ के तरफ जो वर्टिब्री प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है, 12 नंबर, टोटल 12 होती है, तो उनका नंबर होगा T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, ठीक है, नंबर होगा। जो T5 है, जो T5 है, वहां पे क्या होता है? T5 पे क्या होता है?
उसी पोजीशन पे, टी5 के पोजीशन पे ही ये ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब आप सोचेंगे भाई ट्रेकिया आगे है और वो तो पीछे है, हाँ तो कोई बात नहीं, वो ठीक है, आप सही सोच रहे हैं, बस उसका आधार माना गया। जैसे मान लीजिए ये रिमोट है और ये आगे का हिस्सा है, तो रिमोट में ये 8 नंबर लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि 8 नंबर के सामने ये विंड पाइप रन कर रहा है ऐसे, तो जैसे ही F5 आएगा मतलब T5 आएगा वैसे ये दो में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये तो पीछे है और ये आगे है, तो कुछ नहीं उससे मैटर नहीं करता, वो रेफरेंस ले रहा है उसका, वो उसका रेफरेंस ले रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सामने कोई बड़ी सी बिल्डिंग है ना, सामने कोई बड़ी सी बिल्डिंग है और मैं ऊपर से पाइप ला रहा हूँ, अब मैं अपने फ्लो अपने बिल्डिंग के ऊपर से पाइप ला रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मेरे को बोलना है कि मेरा पाइप किस फ्लोर में जाएगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ, या तो मैं बोल दूँ कि मेरे 3rd फ्लोर पे भेज दीजिए पाइप को, या फिर ये बोल दूँ जहाँ उनका पाँचवा है, जहाँ उनका पाँचवा फ्लोर है वहाँ से मेरा, वहीं पर मेरा पाइप को डिवाइड कर दीजिए, ये बोल सकता हूँ। जैसे मान लीजिए, अरे यार मैं खुद कन्फ्यूज कर रहा हूँ आपको, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, पर्टिकुलर बिल्डिंग, ठीक है, इसमें 5 फ्लोर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 फ्लोर हैं, सामने कोई और बिल्डिंग है जिसमें आप खड़े हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, पाइप लाना है ऊपर से, ऊपर से पाइप लाना है, ठीक है, ऊपर से पाइप लाना है और यहाँ पे इस वाले फ्लोर पे इस पाइप को दो हिस्सों में दे देना है, इस वाले पाइप को दो हिस्से में देना है कि एक पाइप का हिस्सा अंदर चला जाए और दूसरा पाइप का हिस्सा आगे बढ़ जाए, है ना। अब देखिए मैं ये तो बोल दूंगा, मान लीजिए नीचे से ये शायद पांचवा फ्लोर है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं ये बोल दूं कि पांचवें फ्लोर पे पाइप पहुंचा दीजिए और वहां पे जाके डिवाइड कर दीजिए, या फिर ये बोल दूं कि मेरी सामने वाली जो बिल्डिंग है उसका जो 3rd फ्लोर है, उसका जो 3rd फ्लोर है उसके सामने जो फ्लोर पड़ेगा वहां पे जाके पाइप को डिवाइड कर दो, वहां पे जाके पाइप को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ऑप्शन यही है। तो वो जो T5 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यही है कि जहां पे आपका थोरसिक वर्टिब्री 5 है वहीं पे जाके ये जो ट्रेकिया है वो डिवाइड हो जाता है, वहीं पे जाके ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है, वो पीछे ये आ गया ये मैटर नहीं करता, बस रेफरेंस लिया गया है, कहने का मतलब ये, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंका है, फर्दर जाके ये आगे डिवाइड कर जाती है फिर से ऐसे दो पार्ट में, ये जाके आगे जाके डिवाइड कर गई, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई कहाँ जाके ओपन होती है, याद रखिएगा, लंग्स में। सेकेंडरी ब्रोंकाई कहाँ जाके ओपन होती है, ऐसे लंग्स में, ऐसे ये लंग्स में, ठीक, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं मोटा बना देता हूँ, लंग्स में जाके ओपन हो जाती हैं, इतना क्लियर है। अब देखिए अब क्या होता है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर आगे जाके डिवाइड कर जाती हैं ऐसे, फिर इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में ओपन होती हैं, किस में ओपन होती हैं, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के भी दो हिस्से लिखे हैं एनसीईआरटी ने, इनिशियल ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स थोड़ा सा मोटा होगा और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है वो थोड़ा सा पतला होगा, है ना, इनिशियल ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद ऐसे बलून शेप स्ट्रक्चर आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। इसको मैं येलो से दिखा देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, और जो येलो वाला रीजन है वो क्या है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और ऊपर वाला जो रीजन है उसको हम बोलेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ऐसा होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए थोड़ा सा मैं लेवल भी करते चलता हूँ, इसके ऊपर भी सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं इससे, ठीक, देखिए ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये सेकेंडरी और ये टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है, ये इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, फिर
टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये एल व्यूलाई, ठीक है, ये एल व्यूलाई, एक मिनट बेटा, ये क्या है एल व्यूलाई, ठीक है, एल व्यूलाई, इतना क्लियर हो गया, ठीक है, ये एल व्यूलाई। फिर से एक बार कंसाइज करता हूं, मैंने बोला नोज की ओपनिंग नॉस्ट्रिल, अंदर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स के बाद ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स के बाद लेरिंगोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स के बाद आपका आ जाता है लेरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया के ऊपर सी शेप हाइलिन कार्टिलेज लगे होते हैं, ठीक है, और वो जहां पे थोरेसिक वर्टेब्री नंबर 5 है वहीं पे जाके वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस बन जाती है, उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, और उसकी फर्दर जब ब्रांचेस बनती है तो उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसकी फर्दर ब्रांचेस बनती है तो उसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद आता है इनिशियल ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद आपका एल्वोलर डक्ट और एल्वोलाई, एल्वोलर डक्ट मतलब कि एल्वोलाई की जो डक्ट है, ठीक है, ये है आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको, वो है लंग्स की कवरिंग, क्या है लंग्स की कवरिंग, लंग्स की जो कवरिंग है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए लंग्स जहां प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये जहां पे मेरा चेस्ट प्रेजेंट है, चेस्ट वाला जो रीजन है इसी के अंदर लंग्स प्रेजेंट है, तो जहां पे लंग्स प्रेजेंट है वो जो खाली जगह है वो कैविटी जो है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, क्या बोलते हैं बेटा थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अब जो लंग्स की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं प्लूरा, लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं। अब देखिए लंग्स की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं। अब ये जो प्लूरा है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कैसे मतलब कि प्लूरा की बेसिकली दो लेयर है, एक लेयर जो लंग्स के ऊपर प्रेजेंट है और एक लेयर जो थोरेसिक कैविटी से चिपकी हुई है, जो थोरेसिक कैविटी से चिपकी हुई है, जैसे ऐसे देखिए समझिए, एक को मैं ऑरेंज से दिखा रहा हूं, ठीक है, एक है ये प्लूरा है, ये, इसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, इसको हम क्या बोलते हैं विसरल प्लूरा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं विसरल प्लूरा, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम विसरल प्लूरा बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसी प्लूरा है जो कि बिल्कुल लंग्स के कांटेक्ट में है। एक और इसकी लेयर होती है जो कि थोरेसिक कैविटी से जुड़ी होती है, उसको मैं येलो से शो कर रहा हूं, वो ऐसी होगी, ऐसे, ठीक, ऐसे, यानी इनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, उधर सही से नहीं बन पाया, मान के चलिए विसरल प्लूरा, और ये जो प्लूरा है इसको हम बोलते हैं पराइटल प्लूरा, इसको हम क्या बोलते हैं पराइटल प्लूरा, ठीक है, विसरल प्लूरा और पराइटल प्लूरा, ये वर्ड आप बहुत सुनेंगे आगे जाके। हार्ट में मैंने आपको बताया था विसरल पेरिकार्डियम और पराइटल पेरिकार्डियम, याद है, याद होगा आपको, ठीक है। तो जो बाहर वाली जो प्लूरा है, बाहर वाली जो प्लूरा है इसको हम बोलते हैं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पराइटल प्लूरा, इसको हम क्या बोलते हैं पराइटल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम पराइटल प्लूरा, ठीक है। अब देखिए और जो अंदर वाली जो प्लूरा है, अंदर वाली जो प्लूरा है इसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा, विसरल जो वर्ड है वो हम इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं, तो लंग्स क्या है इंटरनल ऑर्गन है, तो उसके ऊपर जो प्लूरा होगी इसको हम क्या बोलेंगे विसरल प्लूरा, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए विसरल प्लूरा और पराइटल प्लूरा के बीच में, विसरल प्लूरा और पराइटल प्लूरा के बीच में फ्लूड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है फ्लूड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूड को हम बोलते हैं, इस फ्लूड को हम बोलते हैं, इस फ्लूड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूड, इस फ्लूड को हम क्या बोलते हैं प्लूरल फ्लूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसे हम प्लूरल फ्लूड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम प्लूरल फ्लूड बोलते हैं, ठीक है। ये जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूं वो क्या है प्लूरल फ्लूड है, ठीक है,
ठीक है, क्या है ये? ये क्या है? प्लूरल फ्लूड है। इधर भी बना देता हूँ मैं। ठीक है, क्या है ये? प्लूरल फ्लूड है। ठीक है, ये क्या है? प्लूरल फ्लूड, ये है प्लूरल फ्लूड। लेवल कर देता हूँ मैं इसे भी। क्या है ये? क्या है ये? प्लूरल फ्लूड, प्लूरल फ्लूड। ठीक है, ये क्या करता है? ये फ्लूड लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है। अब बेसिकली लंग्स में जो फ्रिक्शन है, जैसे मान ली लंग्स का जो काम है गैसेस एक्सचेंज करना, तो सिकुड़ता रहता है, फूलता रहता है, उससे फ्रिक्शन आता है, वो फ्रिक्शन को कम करता है ये फ्लूड, प्लूरल फ्लूड। तो काम याद रखिएगा, प्लूरल फ्लूड फ्रिक्शन को कम करता है, कोलैप्स होने से बचाता है लंग्स को। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये है आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा अपना बैटरी चेंज कर लूँ, क्योंकि माइक ऑफ ना हो जाए लेक्चर के दौरान। एक बार मैं थोड़ा सा अपना बैटरी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो इतना उतारिए आप। चलिए बेटा, ठीक है, आई होप आपने उतार लिया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपके लिए। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या आता है? नेजल कैविटी आता है। पहले तो आप ये बना लेंगे ना, ऐसे ये फेस का जो डायग्राम है ये तो बना लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और सुंदरता दे देता हूँ इसकी। अब लग रहा है थोड़ा सा अच्छा डायग्राम है ना। डायग्राम को लेके मेरा थोड़ा ऑब्सेशन है कि मतलब कि अच्छा बनना चाहिए, इस टाइप का थोड़ा जुनून है मेरे को उस चीज़ को लेके। ठीक है, चलिए। मैंने क्या कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो हिस्सा आता हुआ है आपका नॉस्ट्रिल, यानी जो नोज की जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर्स बोलते हैं, नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल लेयर्स। फिर उसके बाद क्या आता है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद ओरोफेरिंग्स, है ना, ओरोफेरिंग्स के बाद लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, लेरिंगोफेरिंग्स के बाद आपका आता है ईपीग्लॉटिस, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया। ट्रेकिया T5 के लेवल पे जाके डिवाइड कर जाता है। किस लेवल पे जाके डिवाइड करता है? किस लेवल पे डिवाइड करता है? T5। T5 क्या है? थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5। थोरेसिक वर्टिब्री नंबर 5 पे जाके ये ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है। इसकी जो ब्रांचेस होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके फिर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर आगे जाके डिवाइड कर जाती है, जिसको हम टर्शरी ब्रोंकाई बोलते हैं। टर्शरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड करती है, तो उसको हम इनिशियल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। इनिशियल ब्रोंकियोल्स फिर आगे जाके और पतली हो जाती है, उसको हम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स किस में ओपन होता है? एल्वोलाई में जाके ओपन हो जाता है ना। एल्वोलाई क्या है? एक बलून शेप स्ट्रक्चर है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, जहां से O2 ब्लड के अंदर जाता है और CO2 ब्लड से एल्वोलाई के अंदर आता है। ठीक है, उस हिस्से में आता है। चलिए, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, नीचे की तरफ सी शेप या डोम शेप डायफ्राम होता है। डायफ्राम बेसिकली इस वाले रीजन पे होता है, वो दिखाऊंगा मैं आगे डायग्राम में, समझ जाएंगे अब। ठीक है, चलिए अभी देखिए मैं क्या क्या समझाने वाला हूँ आपको। अब देखिए लंग्स की बात की जाए, है ना, लंग्स को एक बार देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए देखिए,
दो लंग्स हैं, ठीक है, दो लंग, ठीक है, एक है आपका राइट लंग और एक है आपका लेफ्ट लंग, ठीक है। ये है आपका लेफ्ट लंग, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट लंग, और इसे हम बोलते हैं राइट लंग, इसे हम क्या बोलते हैं, राइट लंग बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, ठीक। अब देखिए एक वर्ड आएगा फिशर, ठीक है, फिशर, फिशर का मतलब होता है दरार, फिशर का मतलब क्या होता है, दरार, दरार या कुछ लाइन जैसा स्ट्रक्चर को हम फिशर बोलते हैं। तो ये जो लंग्स होते हैं इसके ऊपर भी दरारें होती हैं, है ना, कहने का मतलब आप कभी ओरिजिनल लंग्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे उभार दिख जाएगा आपको, है ना, एक कुछ दरार टाइप का दिख जाएगा, उससे हम बोलते हैं फिशर, क्या बोलते हैं, फिशर बोलते हैं। तो जो आपका राइट लंग जो है इसमें दो तरह के फिशर देखने को मिलते हैं, एक फिशर ऐसा देखने को मिलेगा आपको, है ना, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्लिक फिशर। एक फिशर है ऐसा, ऐसा, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। तो राइट लंग की क्या खास बात होती है, राइट लंग में दो फिशर प्रेजेंट होते हैं, दो फिशर, और इस दो फिशर की वजह से लंग्स तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक दो तीन, और इस तीनों को हम बोलते हैं लोब, क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। तो दो फिशर और तीन लोब प्रेजेंट होते हैं आपके राइट लंग में, कितने, दो फिशर और तीन लोब प्रेजेंट होते हैं आपके राइट लंग में। लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग में एक ही होगा, एक ही फिशर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फिशर, जो तिरछा वाला जो फिशर है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फिशर, ठीक है, ऑब्लिक फिशर। इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। अब क्या होता है, एक डिफरेंस ये पता लग गया आपको कि राइट लंग में तीन फिशर, सॉरी दो फिशर होंगे और तीन लोब होगा, इसमें, इसमें एक फिशर होगा, एक फिशर होगा और दो लोब प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक फिशर और दो लोब। इसके अलावा क्या डिफरेंस है राइट और लेफ्ट लंग में, तो याद रखिएगा बेटा, लेफ्ट लंग में एक उभार देखने को मिलता है ये, ठीक है, ये उभार देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं कार्डियक नोच, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं, लिख दो मैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच बोलते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी तरफ ये जो नोच है इसी की तरफ हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, इसी की तरफ टिल्ट होता है हमारा हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट जो है इसी की तरफ टिल्ट होता है, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन हार्ट। अच्छा, जो लंग्स है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, ये जो हिस्सा है थोरेसिक कैविटी का जो खाली जो जगह है इसे हम बोलते हैं मीडिया स्टीनम कैविटी, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टीनम कैविटी। तो आपसे कोई पूछता है हार्ट किधर प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे थोरेसिक कैविटी का वो हिस्सा जो कि दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट है वहीं पे हार्ट प्रेजेंट होता है, और उस कैविटी को या उस खाली जगह को हम बोलते हैं मीडिया स्टीनम कैविटी, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टीनम कैविटी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उसे हम, मीडिया स्टीनम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। और नीचे लंग्स के नीचे क्या होगा, ऐसे सी शेप डायफ्राम होगा, सी शेप या डोम शेप। चलिए इतना क्लियर है, अब देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी की बातें पढ़ना भी जरूरी है। ये पढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें दो पार्ट होते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, और एक होता है आपका रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट में क्या फर्क है, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट देखिए ध्यान से, एक बार मैं थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझाता हूं। एल्वोलाई जो है, एल्वोलाई के जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वोलाई के जरिए गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि एल्वोलाई में जो O2 है वो ब्लड में चला जाएगा और ब्लड का जो CO2 है वो एल्वोलाई के अंदर आ जाएगा। तो गैसेस एक्सचेंज कहां पे हो रहा है,
एल्वोलाई के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एल्वोलाई के अंदर होता है। तो एल्वोलाई और उसकी डक्ट, एल्वोलाई और उसकी डक्ट ये किसके हिस्से आ जाएंगे, ये किसके हिस्से बनेंगे, एक्सचेंज पार्ट के। किसके हिस्से बनेंगे ये, एक्सचेंज पार्ट के। बाकी जितना ऊपर का है, टर्मिनल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, ट्रेकिया, ये सारा जितना ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। तो एल्वोलाई और एल्वोलर डक्ट, एल्वोलाई और उसकी डक्ट ये एक्सचेंज पार्ट के हिस्से होते हैं, क्योंकि यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब बाकी जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है आपका, कंडक्टिंग पार्ट है, वो है आपका कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, बस इतना बताना था मुझे। चलिए एनसीईआरटी में देखते हैं। वी हैव पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, ऑब्वियस ही बात है हमारे दो छेद होते हैं, इन दोनों छेद में आप उंगली लगा के बैठ जाइए अभी से ही, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इट लीड नेजल चैम्बर, जिसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं, और ये कहां पे ओपन होते हैं, फेरिंग्स में ओपन होते हैं। फेरिंग्स वो पोर्शन है जो कि कॉमन होता है किसके लिए, फूड और एयर के लिए, जो किसके लिए कॉमन होता है, फूड और एयर के लिए। कहां लिखा है, फूड और एयर। ठीक है, इसके अलावा द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स इनटू द ट्रेकिया, लैरिंग्स इज कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ड्यूरिंग Swallowing, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis, बता दिया, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, जो कि क्या करता है, याद रखिएगा, prevent the entry of food into the larynx। ठीक है, trachea is a straight tube extending up the mid thoracic cavity which divided at the level of fifth thoracic vertebrae, very important, fifth thoracic vertebrae into the right and left bronchi, जिसको हम primary या primary bronchi बोलते हैं। Each bronchi undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi. फिर उसके बाद bronchioles, bronchioles भी दो तरह का होता है, initial और terminal. Terminal bronchioles कहाँ जाके open होता है? Terminal bronchioles कहाँ जाके open होता है? Alveoli में. ठीक है, alveoli और उसकी duct क्या है? Exchange part है. The branching network of bronchi and bronchioles and the alveoli comprises the lungs. ठीक है, lungs के अंदर क्या है, ये bronchioles, ये चाहे primary secondary bronchi, जहनी के branches present है lungs के अंदर। We have two lungs which are covered by double layered pleura. बाहर वाले क्या बोलते हैं, parietal pleura, और अंदर वाले को visceral pleura. उनके बीच में कौन सा fluid present होता है, उनके बीच में present होता है fluid, उसका नाम है pleural fluid. ठीक है, it reduces the friction on the lung surface. It reduces the friction on lung surface. Very important statement. The outer pleura membrane is इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद थोरेसिक कैविटी, मैंने बता दिया थोरेसिक कैविटी से बिल्कुल टच में रहता है पैराइटल प्लूरा। ठीक है, देखिए ये है आपका एनसीआईटी का डायग्राम, ये जो कैविटी है मीडियास्टिनम कैविटी, ध्यान से देख लीजिए, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन की दो मेम्ब्रेन दिखा रखी है, ध्यान से देखिए, एक ये और एक ये है ना, इसके बीच में येलो कलर का फ्लूइड दिखा रखा है ना, देख लीजिए, ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ आपसे, ऐसा कुछ नया नहीं बताया एनसीईआरटी ने जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक, आगे देखिए, लाइनिंग वेयर द इनर प्लूरा मेम्ब्रेन इन कॉन्टेक्ट विद लंग्स। ठीक है, सरफेस द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल्स कंसिस्ट द कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज द एल्वोलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर टू एल्वोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ये सब बता चुका हूँ मैं। अच्छा, मान लीजिए जो नाक का काम है, नाक का काम क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है उसको गर्म करना है ना, उस पर टर्मिनेट्स लगे होते हैं, बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है वहाँ पे, एक्चुअली में गैसेस का जो एक्सचेंज करना है वो कौन करता है, एक्सचेंज पार्ट करता है। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर, द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिबल कॉलम एंड वर्टिबल बाय स्टर्नम। देखिए ये बात समझिए, लंग्स जो है आगे किससे कवर है, स्टर्नम से, ये जो बोन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, या इसे ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। पीछे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है लंग्स को, हमारा वर्टिबल कॉलम। ठीक है ना, थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो रिब्स बना लेती है आगे जाके, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारे लंग्स को, वही कहना चाह रहा है। ठीक, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम, इसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से कवर किया है बेटा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार फिर से लगा लेनी है, डायग्राम आई होप आपने बनाया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा एंजॉय कीजिए अपने दिन को।